नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक स्पेशल सेशन अपकमिंग वैकेंसी एसएससी एमटीएस 2022। देखा जाए तो कुल पदों की संख्या लगभग 8500 से ज़्यादा आने वाली है। इससे पूर्व में जो पद थे वो कम थे, लगभग 4000 ही थे, लेकिन उसके पूर्व में पद हमेशा 10000 9000 की संख्या में रहती हैं। और फिर से जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है उतनी संख्या में वैकेंसी फिर से आ रही है। कहीं ना कहीं आप उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो जहां से आपको एक सरकारी नौकरी का एक आस है, एक गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए। और एक अभ्यर्थी वर्ग केवल एक परीक्षा से रिलेटेड नहीं होता है, उसे एक जॉब से मतलब होता है, वो कोई भी जॉब हो, कि उसको एक क्या मिले, लाइफ की सर्टेनिटी मिले और फिर वो अपने करियर को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे भी आप देखो, जैसे अभी कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट भी आया और बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी कि उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी। हालांकि उसकी चर्चा हम लोग बहुत करेंगे। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि आप केवल एक वैकेंसी के बल पर बैठे नहीं रह सकते हो, आपको अपना कहीं ना कहीं अब स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, रेंज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप राज्य स्तरीय हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, तो आपको अब केंद्र की तरफ भी कहीं ना कहीं झुकाव होना चाहिए और ऐसे एग्जाम को कवर करना चाहिए जिसका सिलेबस, जिसके क्वेश्चंस लगभग वैसे ही हैं जिसकी आप तैयारी प्रदेश स्तर पर कर रहे हो। तो आज हम लोग एक ऐसे एग्जाम की बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2022, जिसकी वैकेंसी आने वाली है। समग्र रूप से इसकी हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इसके नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किताबें क्या होनी चाहिए, एज कहाँ से कहाँ तक है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि तैयारी कैसे करना है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो और सेशन को लाइक जरूर कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी एमटीएस 2022 की अभी हम बात करें तो इसके बारे में कुछ जो मेन डेट है वो आप देख लो कि फरवरी 2028 को, अभी तो इससे पहले का जो एमटीएस था, है ना, एमटीएस 2020 जिसे बोला गया, 19-20 जिसे बोला गया, या 2021 बोल सकते हो, वो फरवरी 28 2022 में आना था। हालांकि अभी लेट है, अभी सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आया है, इसका नहीं आया है, ये भी आपका एक दो दिन में आ जाएगा। और जैसे ही आपका इसका रिजल्ट आएगा, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए गर्मा गर्मी शुरू हो जाएगी और मार्च 2022 में इसका फॉर्म आना है। 22 मार्च को एसएससी के कैलेंडर में है कि 22 मार्च को यह फॉर्म आ जाएगा। ये परीक्षा कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैट्रिकुलेशन लेवल की है, क्लास 10th के लेवल की है, 10वीं की आपकी एलिजिबिलिटी मांगता है। और इसमें दो एज ग्रुप होते हैं, एक आपका क्या होता है 18 से 25, एक 18 से 27। 18 से 25 में ज्यादा पोस्ट होते हैं, 18 से 27 में थोड़ा सा कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। 18 से 25 में लगभग 5000 प्लस पद होंगे और 18 से 27 में लगभग 3000 प्लस पद होंगे, नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात अगर हम यहां पे करते हैं। लास्ट डेट वगैरह बाद में देख लेंगे। एग्जाम कब है ये ज्यादा जरूरी पॉइंट है। तो एग्जाम आपका जून होगा, मतलब आपके पास मार्च अप्रैल मई 3 महीने पड़े हैं और जून के जितने दिन पड़ जाएं उतने ही बचे हैं अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता। तो हम मान के चलेंगे आपके पास 90 से 100 दिन का मात्र समय है और 100 दिन में आपको अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 4 सेक्शन कवर करने हैं। अंग्रेजी कवर करना है आपको, गणित कवर करना है आपको, रीजनिंग कवर करना है और आपको सामान्य अध्ययन, जीएस, जीए और करंट कवर करना है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये देख लो इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कैसे जॉब यहाँ पे क्या करना होता है। तो वैसे तो इसमें आपको माली वगैरह, है ना, गार्डनर हो गया, जूनियर ऑपरेटर हो गया, शॉप यहाँ पे जो गेट कीपर है वो हो गया, वॉचमैन हो गया, है ना, ये सब के इसमें आपको प्रोफाइल मिलेगा। लेकिन आज कल में देखा जाए तो मॉड्यूल बदल रहा है दफ्तरों का और इसमें देखा जाए तो ज्यादा पेपर वर्क ही रह गया है। बड़ी सी बिल्डिंग होती है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आपको फाइल लेके जाना होता है, तो बेसिकली वो काम एमटीएस का होता है। माली वाली तो राष्ट्रपति भवन वगैरह में ही ज्यादा है, जहां पे ज्यादा वो होती है, बाकी किसी सरकारी विभाग में माली वाली का इतना नहीं है, तो उसके पोस्ट थोड़े से कम होते हैं और बाकी के ज्यादा होते हैं। तो अभी ज्यादा आपका ऑपरेटर हो गया, जूनियर ऑपरेटर हो गया, है ना, इन सबके पोस्ट, पीएन हो गया, गेटकीपर हो गया, इनके पोस्ट की संख्या ज्यादा बढ़ती है और ये आपके ज्यादा पेपर वर्क ही रहते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रोफाइल है इसका, ये ग्रुप डी लेवल का है, लेकिन फिर भी आपको ऑफिस के अंतर्गत ही काम करना है, कुछ पोस्टों को छोड़ के, माली वॉचमैन इनको छोड़ के, है ना, सुबह ऑफिस खोलना हुआ, ये सब करना हुआ, टेबल पे कोई सामान वामान है ये सब है कि नहीं, तो ये सारे काम होते हैं एमटीएस के। एज लिमिट दो होता है, मैंने 18 से 25, 18 से 27 आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्लास 10th होता है या इसके समकक्ष कुछ भी होता है। एक बार हम देख लें कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न इसमें आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग के बाद मैथ्स होता है, मैथ्स के बाद इंग्लिश होता है, इंग्लिश के बाद
जनरल अवेयरनेस लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये तीन सेक्शन होता है, जीएस होता है, जनरल अवेयरनेस स्टैटिक्स वाला पार्ट होता है और आपका करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, तीन मिलके होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका देखो तो मैं अगर जीएस के 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आप मान लो 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और या ऐसे मान लो 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, ऐसे लगभग 9, 7, 16 समथिंग ऐसे ही करके आएंगे, है ना। इसमें इंग्लिश में है तो इंग्लिश में 2 पार्ट होता है, एक वोकैब्स पार्ट होता है, वोकैब्स के लगभग 15+ क्वेश्चन होंगे और ग्रामर के लगभग आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर कम होता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका अरिथमेटिक ज्यादा होता है, अरिथमेटिक में जैसे हम परसेंटेज की बात कर लें, प्रॉफिट लॉस की बात कर लें, सीआई एसआई की बात कर लें, एवरेज की बात कर लें, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये वाले जो चैप्टर होते हैं इनका वेटेज ज्यादा होता है। 25 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन तो आपको क्या मिलेगा, 5 से या 3 क्वेश्चन डीआई मिलेगा। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन मिलेगा, उस 20 क्वेश्चन में आपका 50% से ज्यादा क्या होता है, अरिथमेटिक होता है। तो वहां पे आपका 12 से 15 क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक होता है और उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री मिला के होता है, है ना। किसी पेपर में ट्रिग्नोमेट्री पूछता है, किसी नहीं पूछता है, तो एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री और आपका जो ये है ज्योमेट्री पोर्शन है जिसमें मेंसुरेशन ज्यादा पूछता है, नंबर सिस्टम, वो मिला के 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में ज्यादा हो जाता है। तो डीआई एक अलग पोर्शन है, अरिथमेटिक एक दूसरा पोर्शन है और एडवांस में, है ना, एडवांस में एक अलग पोर्शन है, ये आप ध्यान दीजिएगा। 3 पोर्शन में मैथ्स होता है, रीजनिंग आपका वर्बल नॉन वर्बल होता है, उससे रीजनिंग आसान होता है, ये समझिएगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स कुल समय जो मिलता है वो आपको 90 मिनट मिलता है, है ना, आपको 1.5 घंटे का मिलेगा और 2 टियर में पेपर होता है। टीयर 1 में आपका एमसीक्यू टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब इसमें आपको लिखना रहता है। लेकिन जहां पे एसएससी की अन्य परीक्षाएं हैं, जैसे आपका क्या हो गया सीजीएल हो गया, जैसे आपका सीएचएसएल हो गया, वहां पे जो आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव में होता क्या है, आपको लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग लिखना होता है, ठीक है ना। लेकिन वहां बाकी में सीएचएसएल और इसमें सीजीएल में क्या करना होता है, इंग्लिश में लिखना होता है। यहां पे आपको छूट है, तो अगर कोई आप हिंदी भाषी राज्य या किसी भी ऐसे राज्य से बिलोंग कर रहे हो जिनकी भाषा इसके कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है, तो आप अपनी भाषा में लेटर और एसे दोनों लिख सकते हो। 50 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 30 नंबर पाने वाला बच्चा, 30 से 40 नंबर पाने वाला बच्चा गुड स्कोर बोला जाता है और सबके नंबर 30 से 40 के, 30 से कम भी कोई नहीं पाता, 40 से ज्यादा पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें एक एवरेज मार्किंग होती है, ज्यादा बहुत अच्छा लिखोगे 40 के करीब पाओगे, बहुत गंदा लिख के आओगे बस फॉर्मेट पे लिख के आओगे तो 30 नंबर पा जाओगे। तो ज्यादा डिफरेंस ये नहीं क्रिएट करता, ज्यादा आपका यही क्रिएट करेगा, ये आपका 100 नंबर का होता है। और इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप 80+ आज से ही टारगेट करने का प्रयास करिए। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, -0.25 का होता है, ये बात आप समझिएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, जब आपको पैटर्न पता चल गया है, टोटल पेपर 150 हो गया है, ये 50 में से आपको 30 से 40 के बीच में मिलेगा ही मिलेगा, तो 10 नंबर टॉपर, जो टॉपर होगा डिस्क्रिप्टिव का और जो लीस्ट होगा उसके बीच में कितना होगा, 10 नंबर का फर्क होगा, जो इसके उसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे स्कोर 90+ ले आए तो ये फिर कोई दिक्कत ही नहीं करता है। जनरल मार्क्स सब 34-35 ही पाते हैं, ये बात आप समझिएगा। आते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, महत्वपूर्ण किताबें क्या हो सकती हैं, आपके लिए सोर्स क्या हो सकता है। अगर आप एसएससी की तैयारी पहली बार कर रहे हो, फ्रेशर हो, या पूर्व से ही करते आ रहे हो और आपका नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणवश, तो कहाँ कमी रह जा रही है उसको हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे प्रदेश स्तरीय हो या कोई और हो, तो वहां पे तो एक की रणनीति अलग होती है, लेकिन एसएससी क्योंकि बहुत सालों से कराता आ रहा है और एसएससी के अंतर्गत ही बहुत सारे पेपर हैं, जैसे आपका एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीएचएसएल के बाद आपका सीपीओ है, सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट एसएससी करवाता है। और सबसे बड़ी बात है, सबका पेपर लेवल लगभग जो पैटर्न है वो सबका एक ही जैसा है, इस कारण से एसएससी के पास क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा है। उसके एक एक पेपर, अभी जैसे एसएससी एमटीएस विगत वर्ष पिछले वर्ष का ही जो था वो लगभग 39-40 शिफ्ट में हुआ था, सीजीएल आपके 40-40, 50-50 शिफ्ट में होते हैं, तो अगर एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन है 50 शिफ्ट में, तो 5000 क्वेश्चन तो आपके वैसे हो गए एक साल के पेपर में, एक एग्जाम से ऐसे 5 एग्जाम हुए तो 25000 क्वेश्चन हो गए। तो एसएससी में यूनिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते रहते हैं और यही कारण है। इसके चारों सेक्शन की बात करूंगा, जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में क्योंकि ये क्या बना रहा है, टीसीएस बना रहा है, तो ये अरिथमेटिक के साथ, है ना, अंकगणित के साथ बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है और हर बार न्यू क्वेश्चन बन रहा है। तो अरिथमेटिक में आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए।
अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट में मजबूती बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा पार्ट हम मेंसुरेशन की बात करते हैं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन की बात करते हैं, इसमें फॉर्मूला बेस्ड होता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो इसमें केवल प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा समय नहीं जाता है। एलजेब्रा, एलजेब्रा ये है, ये आपका प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि पिछले पेपर में जो पूछा था एलजेब्रा वहीं से पूछेगा, ज्यादा इसमें न्यूली फ्रेम नहीं होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम होते हैं, बाकी हुआ ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम, तो इसमें एलसीएम एसएम वगैरह के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अल्टीमेटली अगर आपको यहाँ पे MTS या CHSL या SSC GD की तैयारी करनी है तो आपको अरिथमेटिक पोर्शन ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा और उसके कॉन्सेप्ट को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन कई शिफ्ट के CGL के लेवल के भी हो गए हैं। और SSC ये नहीं देखता कि हम MTS का करा रहे हैं कि CGL का करा रहे हैं, वो मेंस में जाके देखता है, प्रीलिम्स किसी भी शिफ्ट में कैसे भी रख देता है। क्यों? क्योंकि बोलता है कि भैया हम नॉर्मलाइजेशन कराएंगे, 40 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कराएंगे, 100 अंक है, 100 के पार हम लेके चले जाएंगे। तो ये है SSC का सीन, वो बहुत ज्यादा लेवल नहीं देखता, इस कारण से आप इसे तैयार करो, लेकिन बाकी आपका MTS लेवल का ही आएगा बाकी पोर्शन। दूसरा है रीजनिंग, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, अगर आपने इसका एक बार बहुत कम समय देके कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया और इसमें प्रैक्टिस कर लिया तो इसमें 25 आउट ऑफ 25 बहुत आसानी से आ जाते हैं। एवरेज बच्चों के 23-24 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, है ना, ये एवरेज बच्चों के सही हो जाते हैं। तीसरा है आपका इंग्लिश, इंग्लिश MTS के लिए, अगर आप CGL या CPO की बात करो तब तो मैं बोलूंगा इंग्लिश के लिए घबराना है, लेकिन अगर आप SSC GD CHSL और MTS की SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC, चाहे आप हिंदी भाषी राज्य से हो चाहे आप हिंदी भाषी राज्य से ना हो, आपको SSC के लिए परेशान होने की जरूरत, सॉरी इंग्लिश के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर क्यों, आप समझिएगा भाई, इसमें 25 क्वेश्चन टोटल पूछना है जिसमें 10 प्लस आपके वोकैब्स होंगे, और ये वही वोकैब्स होंगे जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है, और आपका 15 प्लस वोकैब्स होंगे, ये करीबन 15 प्लस आपके वोकैब्स होंगे, कभी कभी क्या हो जाते हैं 16-17 भी हो जाते हैं, और 8-9 क्वेश्चन या कई बार 10 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन मान लो क्या होते हैं, ग्रामर के होते हैं। ग्रामर में भी क्या पूछता है, ग्रामर में भी आपसे पूछता है कि एरर डिटेक्शन पूछ लेता है या इंप्रूवमेंट पूछ लेता है, उसमें आपका ये नहीं पूछता कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है, ऐसा जनरल इंग्लिश नहीं पूछता, एरर डिटेक्शन या फिर आपका किसमें रहेगा, फिलर में रहेगा या आपका नरेशन और एक्टिव पैसिव, यही चार टॉपिक ग्रामर में ज्यादा पूछता है। तो एरर डिटेक्शन और इंप्रूवमेंट में आपको पूरी ग्रामर जाननी होती है, जिसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। अगर आप फ्रेशर हो और हिंदी भाषी राज्य से हो, मतलब कि आपकी अंग्रेजी कमजोर है, तो इस पे ज्यादा वेटेज मत दो। इसमें अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, मैं आपको बताऊंगा कहां से पढ़ना है, हनीफ सर ने पढ़ाया है इसी चैनल पे, आप उससे पढ़ लोगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा फोकस आपको इस पे देना है, क्योंकि इंग्लिश में बच्चे वोकैब से ही लाते हैं, और वोकैब्स पढ़ना भी कहां से है, प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारी किताबें हैं, किरण की तो सब में चलती ही चलती है, एक इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक ही है ना, वो आप ले सकते हो, या फिर आपको कुछ नहीं करना है, इंग्लिश के कुछ पर्टिकुलर बुक है, मैं आपको एक रामबाण PDF दे दूंगा, उसी से ही आपका फंस जाएगा टीम परीक्षा प्लस के द्वारा ही। तो इंग्लिश के लिए परेशान मत होना है। देखो इसमें अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हो तो 25 में 25 मत सोचो, फिर आप इसमें 18-20 के बीच में सोचो और ये आपका गुड स्कोर होगा। और अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो यकीन मानो आप 22-23 क्वेश्चन भी इंग्लिश में सही कर सकते हो, और थोड़ा भी अगर प्रीवियस ईयर पढ़ के चले गए तो 15 प्लस लाना तो गारंटी है, 15 से कम नहीं आएगा अगर प्रीवियस ईयर आप केवल देख के जाते हो। तो इंग्लिश में अगर मैं देखूं तो 18-20 क्वेश्चन कर सकते हो। और एक चौथा पार्ट है GS, GS में क्योंकि तीन पार्ट है, पहला पार्ट है आपका करंट अफेयर्स, दूसरा पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा पार्ट है GS। GS में आपको इंडियन पॉलिटी अच्छे से मजबूत कर लो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आप केवल लूसेंट भर का पढ़ लो या लूसेंट भी छोड़ो, रामबाण PDF जो परीक्षा प्लस की आप उसे केवल देख लोगे तो इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे। मॉडर्न इंडिया के, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, इतना आप कन्वेंशनल GS में पढ़ लो। करंट अफेयर्स आप अच्छे से मजबूत करो, करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ रिलेट करके मजबूत करो, तो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों मिला के आपके करीबन 20 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, और GS से लगभग 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 में 25 कोई भी SSC में नहीं ला पाता है, GS में सबके कम होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे किसी परीक्षा की पहले से तैयारी करते आ रहे हो जिसमें GS आपका मेन रहे, जैसे आप अधीनस्थ की तैयारी करते आ रहे हो उत्तर प्रदेश में, या फिर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में GS की तैयारी करते आ रहे हो, या फिर आप किसी अन्य राज्य से हो जहां पे GS अच्छा खासा पढ़ते आ रहे हो, BPSC वगैरह हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, तो आपके लिए यहां पे नंबर लाना उठाना आसान है। और करंट अफेयर्स तो सभी पढ़ते हैं, बस करंट अफेयर्स को स्टैटिक्स से रिलेटेड करना है, ये बात समझ में आ रही। तो यहां से भी आपके करीबन 18-20 क्वेश्चन उठ सकते हैं
25 में से। गणित में अगर जितना मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट आप मजबूत करो, अरिथमेटिक में खुद पढ़ाया हूं, आप पूरा परीक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, या अगर आप बोलोगे तो आपके लिए एक वीओडी बैच अलग से ले आया जाएगा और उस वीओडी बैच में आप जो बोलोगे आप मुझे कमेंट करके भी बताओ कि आप क्या चाहते हो कि इसका लाइव बैच स्टार्ट किया जाए या एक रिकॉर्डेड बैच दे दिया जाए। वीओडी जो होता है आपका पहले कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ा दी गई है बहुत न्यूनतम शुल्क में, जो आपके एकदम कुछ भी ना लगे और एकदम आप चाहोगे तो फ्री भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। बस उसका जो ऐसा चार्ज लेंगे जो इंटरनेट कॉस्ट आता है वो ले लेंगे, बाकी टीम के लिए एकदम आपकी पढ़ाई आपका सिलेक्शन ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम अभी एसएससी में एमटीएस या ऐसे केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं और टीम पूरा चाहेगी कि ऐसे बच्चे जहां पे राज्य स्तरीय में उनको सारे एग्जाम बहुत देर में हो रहे हैं या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, चार चार पांच पांच साल वेट करना पड़ रहा है, तो वो बैठे मत रहे, थोड़ा मेरे प्रयास से अगर कहीं और भी सिलेक्शन हो सकता है तो सिलेक्शन ले, बाकी जो उनका सपना है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मैथ्स में अगर केवल करना है तो मैथ्स में देखो मेरे तरीके से चल लिए तो मैं आपको तो 24 में 25 या 25 में 25 भी दिला दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मैथ्स थोड़े कमजोर हैं तो आप 22 प्लस आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहां पे देखो 22 यहां पे कर लो, 24 यहां पे कर लो, 18 वहां पे कर लो, यानी कि 40 20 60 64 क्वेश्चन यहां पे हो गए और 10 74 74 और 8 हो गए आपके 82 क्वेश्चन आप पहुंच सकते हो केवल इतने में मिनिमम में जैसा मैं बता रहा हूं। और अगर इतना टारगेट, इससे कम भी टारगेट मत करो क्योंकि कट ऑफ भी आपका ऐसे ही जाता है। अच्छा सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यहां पे एक चीज समझना कि कहीं ना कहीं भले कट ऑफ ज्यादा जाता हो लेकिन कट ऑफ भी ज्यादा जाने के कारण है कि पेपर आसान होता है, और अगर पेपर कठिन हो गया तो नॉर्मलाइजेशन बढ़ा देता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सैलरी देखा जाए तो ल्यूक्रेटिव सैलरी है, सैलरी कितनी है 20,000 से लेकर 24,000 तक आपको मिलती है, इनहैंड भी ऐसे ही लगभग, बाकी चीजें डिडक्ट भी हो जाती है, कुछ है ना अलाउंसेस भी ज्यादा हैं और शहरों पे भी डिपेंड करते हैं, एक्स वाई जेड जो शहर होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन 20 से 24,000 आपको सैलरी मिलती है, 1800 ग्रेड पे की जॉब होती है, ये आप समझना। दूसरी बात यह है कि आप इसे स्टेट वाइज है ना अपने राज्य में भी पोस्टेड हो सकते हो, प्रेफरेंस भरना होता है, और आपको जब आप फॉर्म भरिएगा तो वीडियो में अलग से बनाऊंगा, प्रेफरेंस भरने में विशेष सावधानी देनी है क्योंकि अगर आपने प्रेफरेंस गलत कर दिया तो भले ही आपके नंबर ज्यादा होंगे फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वहां पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको बताऊंगा अलग से। तो स्टेट में ही आप जॉब के लिए पोस्टेड हो सकते हो, अपने शहर के आसपास ही पोस्टेड हो सकते हो प्रेफरेंस अगर आप चुन लोगे। और तीसरी बात यह है कि इसका स्टेट वाइज कट ऑफ निकलता है, स्टेट वाइज कट ऑफ निकलता है, तो यह आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या करता है, मददगार साबित करता है। इसलिए एसएससी एमटीएस आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। 2022 का फॉर्म मार्च में आने वाला है और आप सभी लोग इसकी तैयारी करना शुरू करो। बाकी टीम परीक्षा प्लस आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, जहां पे जैसे भी जरूरत होगी वैसे आप मुझसे मदद ले सकते हो। हां लेकिन लास्ट में मैं इतना बोल दे रहा हूं कि आप क्या चाहते हो, टीम आपके लिए कौन किस प्रकार का मदद करे, वीओडी लेके आए, वीडियो ऑन डिमांड जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको दे दी जाए और आप न्यूनतम शुल्क में आप उसकी तैयारी कर लो, 100 200 300 रुपए में तैयारी कर लो, या आप चाहते हो सर मेरे लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, आप लाइव बैचेस लाइए और मैं दोबारा से क्या करना चाह रहा हूं, मैं अच्छे से पढ़ना चाह रहा हूं, एकदम लाइव फिर से अपनी तैयारी करना चाह रहा हूं। समय आपके पास मुश्किल से 100 दिन है, 100 दिन में 4 विषय हैं, ये आप देख लो और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। तो आपको नीचे क्या करना है, कमेंट करना है क्या चाहिए आपको, वीओडी चाहिए या फिर आपको लाइव बैचेस चाहिए। मैं आपको बता दूं इसका मैं प्राइस मुश्किल से 200 से 300 के बीच में रखूंगा और इसकी प्राइस आपकी 600 से 700 के बीच में रखूंगा। आप क्या चाहते हो वो हमें बता दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ हमसे मदद चाहते हो या कोई आपका डाउट है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हो, आपका उसका उत्तर दिया जाएगा और अपनी तैयारी चालू रखो। बाकी भी चीजें इसका अलग अलग जॉब प्रोफाइल के बारे में है ना, सैलरी के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, बुक्स के बारे में, अलग अलग सेक्शन की रणनीति के बारे में अलग अलग वीडियो भी बनाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट हो तो आपको पता चल जाए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।